नमस्कारम। आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो मैग्नस कार्लसन और फैबियनो करोना के बीच हुआ था, तो क्विकली हम गेम विंडो की तरफ जाते हैं। इस गेम में जो स्टार्ट हुई थी वो e4, e5, बिशप टू c4, नाइट एफ सिक्स, d3। अब आप देखा जाए इस पोजीशन में तो एक्चुअली वाइट ने जो ओपनिंग स्टार्ट किया था, बिशप्स ओपनिंग बोलते हैं उसको, बहुत बार मूव ऑर्डर को थोड़ा चेंज करते हुए अलग अलग सेटअप्स खेलने के लिए कोशिश की जाती है। बट नॉर्मली आप इसमें सीजी भी यानी कि क्लोज गेको पियानो में जा सकते हैं, नाइट सी सिक्स, बिशप टू सी फाइव या बिशप बी सेवन करके। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि आप सी सिक्स खेलें और आफ्टर नाइट एफ थ्री डी फाइव जाएं, बिकॉज आफ्टर डी फाइव बिशप बी थ्री खेला है यहाँ पे वाइट ने, बिशप बी फोर चेक। ये एक प्रोवोकिंग एक मूव था जो कि आप बोल सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे बिशप बी थ्री के बाद बी डी सिक्स मेन लाइन है वैसे, दिस इज द मेन लाइन, लेकिन बिशप बी फोर खेला करुआना ने, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सी थ्री खेलते हैं डेफिनेटली, अगर सी थ्री के अलावा अगर यहाँ पे बिशप डी टू खेला खेला जाए तो बिशप इन टू बिशप एक्सचेंज करके और आप उस पोजीशन में जा सकते हैं, बिशप इन टू बिशप, नाइट कट बिशप, और ये सेटअप आप खेल सकते हैं। लेकिन सी थ्री खेला यहाँ पे मैग्नस ने, बिशप डी सिक्स। अब इस पूरे सिक्वेंस में एक मूव चेंज हो गई, ब्लैक ने एक्चुअली एक मूव एक्स्ट्रा खेला यहाँ पे, वापस बी डी सिक्स आया। लेकिन इस सी थ्री पॉन से ये हुआ कि बाद में जब दोनों एक्सचेंज होंगे डी कट ही, तो आप देख सकेंगे कि डी थ्री स्क्वायर ब्लैक जो है वो यूज कर सकता है फ्यूचर में। बी जी फाइव, उसके साथ ही नाइट सी थ्री का भी ऑप्शन बंद कर दिया था। बी जी फाइव खेला वाइट ने, डी कट ई फोर, डी इंटू ई फोर, एच सिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर एच सिक्स की बिशप एच फोर खेला, क्वीन ई सेवन। फैबियानो जो है वो इस पोजिशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है, क्योंकि कैसलिंग की घाई नहीं किया ब्लैक ने यहाँ पे, और क्वीन ई सेवन खेल दिया, नाइट बी डी टू, नाइट टू बी डी सेवन। अभी यहाँ पे एक्चुअली बी जी थ्री खेला, और ये एक गेम का नया मूव था, नॉवेल्टी था उस टाइम पे, 2014 में खेला हुआ था ये गेम, जबकि इसके पहले कुछ गेम्स हुए थे जहाँ पे क्वीन ई टू और कैसलिंग ट्राई किया हुआ था लोगों ने, क्वीन ई टू और कैसलिंग भी किया हुआ था। तो बी जी थ्री खेला यहाँ पे मैग्नस ने, बिशप टू सी सेवन, शॉर्ट कैसल, नाइट एच फाइव। अभी तक भी किंग सेंटर में ही है और कैसलिंग की घाई नहीं कर रहा ब्लैक यहाँ पे, तो नाइट एच फाइव खेला। डेफिनेटली ब्लैक का मेन आइडिया है कि जी थ्री के जो बिशप है और जो बिशप है उसको एक्सचेंज कर दे नाइट से एच थ्री। ये इसके जगह शायद और कुछ अच्छे ऑप्शंस हो सकते थे, बट डेफिनेटली एच थ्री जो है वो एक इतना स्टैंडर्ड नहीं लग रहा है। कुछ कंडीशंस में हमको लग रहा है कि नाइट इंटू जी थ्री मारने के बाद एच इंटू जी थ्री और ये फाइल ओपन होंगी, लेकिन इसके बावजूद नाइट एफ सिक्स के बाद ये पोजीशन सॉलिड लग रही थी ब्लैक को। लेकिन यहाँ पर एच थ्री के बाद नाइट कट जी थ्री मारा, एफ जी थ्री और नाइट सी फाइव खेला ब्लैक। यहाँ पर आप थोड़ा रुक के चेक कर सकते हैं कि वाइट के पास क्या कंटिन्यूएशन हो सकती है, जिसमें कि या तो उसको बिशप सी टू जाके एक सॉलिड मतलब वो स्ट्रक्चर खेलना पड़ेगा जिसमें एटलीस्ट ब्लैक के पास डबल बिशप है, और डेफिनेटली ये पॉन अलग हो चुका है कैसलिंग के बाद, ठीक पोजीशन लग रही है ब्लैक को, आई कैन प्ले ए फाइव ऑल्सो। तो ये एक ऑप्शन हो सकता था, या फिर जो कि गेम में हुआ आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटिन्यूएशन खेला मैग्नस ने। एक्चुअली उसने बिशप इंटू एफ सेवन मार दिया, बिशप इंटू एफ सेवन के बाद आप देख सकते हैं कि क्वीन इंटू एफ सेवन डेफिनेटली नहीं आ रहा है, बिकॉज नाइट कट ई फाइव और अब क्वीन पे थ्रेट है, और अगर आप क्वीन रिमूव करते हो तो क्वीन एच फाइव आ रहा है, और फिर ये बहुत ही डेंजरस थ्रेट लग रहा है। तो क्वीन कट एफ सेवन इज नॉट पॉसिबल बिशप इंटू एफ सेवन के बाद, किंग कट एफ सेवन मारा यहाँ पे, नाइट इंटू ई फाइव। अब ये पोजिशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अनक्लियर सी हो गई है, और आप देख सकते हैं कि नाइट इंटू ई फाइव के बाद यहाँ पे किंग जी एट खेला ब्लैक ने, लेकिन अगर किंग ई एट खेला होता तो फिर से वही क्वीन एच फाइव चेक आ रही थी, तो किंग जी एट जो है मुझे लग रहा है कि फोर्स्ड था एक्चुअली। नाइट जी सिक्स, क्वीन टू जी फाइव, रुक एफ एट, किंग एच सेवन, नाइट इंटू एच एट। इस पूरे सिक्वेंस में आप देख सकते हैं कि ब्लैक को सॉरी व्हाइट को पीस वापस मिल गया नाइट इंटू एच एट के बाद, और रुक एफ एट और नाइट एच एट, नॉर्मली मिडल गेम में अगर ऐसे पीसेस पहुंच जाए, ये बहुत ही रेयरली होता है गेम में, स्पेशली हाई लेवल पे आपको ऐसे बहुत कम गेम ही देखने मिलेंगे। लेकिन इसके बाद मुझे लगता है जो रिसोर्स ब्लैक ने ढूंढा बहुत ही अच्छा था, और आफ्टर नाइट इंटू एच एट यहाँ पे बिशप जी फोर खेला ब्लैक ने, बिकॉज आप अगर क्वीन इंटू जी फोर जाएंगे इसमें
तो क्वीन कट जी फोर एच जी फोर और रोक एफ एट के बाद डेफिनेटली एच एट भी मर रहा है, सो ये एकदम विनिंग रहेगा। बिशप जी फोर को एक्चुअली बिशप जी फोर के अलावा यहाँ पे और एक ऑप्शन था कि आप क्वीन ई थ्री जा सकते हैं, ये शायद उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, लेकिन क्योंकि इसमें भी अगर किंग एच वन जाते हैं अभी आप बिशप जी फोर आ सकते हो और ये भी शायद अच्छा प्लस पोजिशन था, लेकिन बिशप जी फोर डायरेक्टली खेला ब्लैक ने क्वीन एफ वन नाइट डी थ्री। नाइट डी थ्री के बाद डेफिनेटली आप क्वीन इन टू डी थ्री नहीं मार सकते हैं एज रुक एफ एट आ रहे हैं यहाँ पे और फिर से एच एट मार ही रहा है, तो नाइट डी थ्री अगर आप ए एट मारते हो तो उसमें क्वीन ई थ्री क्वीन जी थ्री आ रहा है, वो भी बहुत डेंजरस लग रहा है, तो यहाँ पे क्वीन इन टू डी थ्री मारा वाइट ने, रुक इन टू एफ एट एच जी फोर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली किंग इन टू एच एट सिंपल आ रहा है, लेकिन और इसमें ये जो ट्रिपल पॉन है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है एक्चुअली वाइट के लिए, क्वीन जी फोर क्वीन इन टू जी थ्री सभी आ रहे हैं, लेकिन करुआना ने बहुत ही स्मार्टली एच जी फोर को क्वीन जी फोर मार दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक्चुअली ये ऐसा चॉकलेट है जो ऑलरेडी आपके जेब में पड़ा हुआ है और इसको आप कभी भी मार सकते हैं, तो इसको तुरंत मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नाइट एफ थ्री खेला यहाँ पे, क्वीन इन टू जी थ्री भी मार दिया, डेफिनेटली वो थ्रेट है ही हमेशा यहाँ पे। ई फाइव चेक, यहाँ पे एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग कंटिन्यूएशन था कि ई फाइव की जगह नाइट एफ सेवन आप आ जाओ, रुक एफ सेवन को ई फाइव चेक, एंड देन आप अगर जी सिक्स आते हो यहाँ पे तो रुक एफ वन आ रहा है, और ये पोजिशन भी शायद ठीक ही थी, तो ई फाइव खेला, लेकिन यहाँ पे 24th मूव पे वाइट ने किंग इन टू एच एट ई सिक्स, यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ही थोड़ी जल्दी हो रही है पॉन को पुश करने की, लेकिन और जो तरीके थे वो भी इतने अच्छे नहीं लग रहे थे यहाँ पर। एक्चुअली देखा जाए तो रुक एफ वन एक वो हो सकती थी जिसमें ई एंडिंग अभी भी थोड़ा प्लेबल है उसमें, लेकिन यहाँ पे ई सिक्स खेला, बिशप बी सिक्स चेक, किंग एच वन और क्वीन जी फोर, ई सिक्स मर रहा है और क्वीन एच फाइव चेक कभी थ्रेट है, क्वीन डी सिक्स खेला यहाँ पे, रुक डी एट, क्वीन ई फाइव, रुक टू डी फाइव और रुक एच फाइव आ रहा है, आप देख सकते हैं हर मूव में एक थ्रेट आ रहा है, रुक डी एट, रुक डी फाइव, रुक एच फाइव थ्रेट आ रहा है, तो क्वीन बी एट चेक दिया, किंग एच सेवन और ई सेवन, डेफिनेटली आप यहाँ पे रुक एच फाइव नहीं जा सकते हैं क्योंकि रुक एच फाइव में नाइट एच टू आ रहा है और फिर रुक इन टू एच टू डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वीन का सपोर्ट है, क्वीन इन टू एच टू आ जाएगा और कोई मेटिंग थ्रेट नहीं है और पोजिशन बेटर है, तो यहाँ पे क्वीन एच फाइव चेक दिया और यहाँ पर वाइट के पास दो ऑप्शन थे, क्वीन एच टू और नाइट एच टू, क्वीन एच टू शायद फिर भी थोड़ा प्लेबल था, नाइट एच टू यहाँ पे मैग्नस ने ब्लंडर कर दिया, डेफिनेटली हो सकता है यहाँ पे टाइम प्रेशर हो और उनको लगा कि क्वीन एच टू भी उतना पॉसिबल, क्वीन एच टू भी एक्चुअली कोई बहुत अच्छा मतलब कंटिन्यूएशन नहीं लग रहा था क्योंकि उसमें भी विनिंग चांसेस थे ही, बिकॉज क्वीन एच टू में आप देख सकते हैं कि क्वीन ई एट आ रहा है, अगर आप पॉन बचाने के लिए रुक ई वन खेलते हो तो बिशप एफ टू रुक एफ वन को रुक एच फाइव और ये डेफिनेटली जीतना चाहिए, पर नाइट एच टू को आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। रुक डी वन खेला यहाँ पे ब्लैक ने, रुक डी वन, क्वीन डी वन, नाइट एफ वन और आफ्टर क्वीन इन टू एफ वन सिंपली आप एक ब्लैक एक पीस अप है यहाँ पे, किंग एच टू और आफ्टर क्वीन जी वन, अब दो ऑप्शन है ब्लैक के पास, दोनों ही ऑप्शन में क्वीन ई थ्री चेक करके पॉन मर रही है, सो कोई चांस नहीं है कि पॉन प्रमोट हो जाए और उसको कोई सपोर्ट भी नहीं है फिलहाल, तो यहाँ पर आफ्टर क्वीन जी वन मैग्नस ने रिजाइन कर दिया। 2014 में हुआ था ये गेम, पेट्रोफ में जो मेन लाइन्स है वो उसको अल्टरनेटिव के लिए बी सी फोर खेला था मैग्नस ने बिशप्स अपने ताकि मेन लाइन्स अवॉइड हो जाए, लेकिन सी सिक्स डी फाइव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है इस वेरिएशन में, हम लोग देखेंगे कि और भी इन दोनों के बीच जो गेम्स हुए थे स्पेशली जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी दोनों के बीच में वो हम ट्राई करेंगे कि कभी कवर करें और कोशिश करेंगे कि और अच्छे गेम्स देखें। मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।